हेलो, साइबर क्राइम क्या है? अगर व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो यू नो इनबॉक्स है मैसेजेस के थ्रू, उसके अलावा ये है कि अगर इंटरनेट, यूट्यूब, कोई भी वेबसाइट प्लस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अगर इनके अंदर आपको कोई भी कोई मैसेज करता है और आपकी बेइज्जती करता है, ठीक है ना, आपकी बेइज्जती करता है, आपको बुरा भला कहता है, या आपका फेक अकाउंट बनाता है, या आपको यू नो डिग्रेड या इस तरह से कुछ भी करने की कोशिश करता है, या आपको अनईजी फील कराने की कोशिश करता है, तो ये साइबर क्राइम के अंदर आता है और आप उसके ऊपर साइबर क्राइम का केस कर सकते हैं। और साइबर क्राइम के जो फाइन है और जो यानी कि उसका जो क्राइम है बहुत ही एक सीरियस किस्म का क्राइम है और अगला बहुत ही यानी कि ट्रबल में जा सकता है जो इस तरह से कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो आप उसको बर्दाश्त मत करें, तो आप सीधा FI के थ्रू यू नो साइबर क्राइम की कंप्लेंट करें। FI वाले क्या करेंगे, उसके इंटरनेट का IP एड्रेस को ट्रेस करेंगे, वो जिधर बैठा होगा, जैसे अगर मैं बैठ के यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, वो जिधर बैठा होगा उसको वो ट्रेस करेंगे और उसकी लोकेशन वगैरह निकाल के उस बंदे को जाके अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर उसने आपकी पिक्चर्स वगैरह सेव करके रखी हुई हैं, पिक्चर्स वगैरह को मिसयूज़ कर रहे हैं, या वीडियोस वगैरह को, या आपको गालियाँ दी थी जिस मोबाइल फ़ोन से उन्होंने उसने दी होंगी, या उस लड़की ने दी होंगी, या लड़के ने दी होंगी, तो मोबाइल फ़ोन भी वो ले जाएंगे, प्लस वो यानी कि उस बंदे को भी ले जाएंगे। अच्छा, अगर मोबाइल फ़ोन से दिए हैं मोबाइल फ़ोन, अगर लैपटॉप से दिए तो वो लैपटॉप, क्योंकि उसका एक अपना IP एड्रेस होगा, वो IP एड्रेस ट्रेस करके वो चीज़ रिकवर करेंगे जिस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये क्राइम हुआ होगा, तो वो चीज़ वो रिकवर करके उस बंदे को भी ले जाएंगे, बंदी को भी ले जाएंगे और उधर जेल में रखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर एक केस चलेगा। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह से कर रहा है, वो समझ रहा है कि नहीं मैं तो फेसबुक के अंदर बैठा हूँ, मैं तो इंटरनेट के अंदर बैठा हूँ, मैं कैसे मिल सकती हूँ या मिल सकता हूँ, तो ये अब कॉन्सेप्ट आप निकाल दें अपने माइंड से। अगला जहाँ भी बैठा है या बैठी है और आपको अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, ठीक, या आपको तंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ये दिमाग पे बात याद रखें, आप उसको पकड़ सकते हैं, उसका IP एड्रेस, उसकी हर चीज़ ट्रेस हो सकती है और गंदा भी जाके वो पकड़ा जा सकता है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। होप सो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Subscribe and turn your notifications on.